पर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरे पास सेल है 113.50 रुपए के रेट का और 700 शेयर है। मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट था 10-15% कमाने का इसमें। कब आपने लिया था स्टॉक, ये कब लिया आपने? ये अभी करीब 10-15 दिन पहले लिया। एवरेज मेरा इसका 113.50 रुपए है। ठीक है, 10 से 15 दिन का व्यू है, बहुत ही छोटी अवधि का नजरिया है और 113 रुपए के आसपास की खरीद है सेल पे। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है चाइना में। चाइना ने अपने इंटरेस्ट रेट कट किए हैं पहली बार अब 2020 के बाद, और एवरग्रांड का जो संकट था उसके चलते रियल एस्टेट पर प्रेशर आया था, पूरी इकोनॉमी पर प्रेशर के तौर पर देखा जा रहा था, वहां से शायद अब सपोर्ट आता हुआ देखे मेटल स्टॉक्स को भी। लेकिन निलेश, छोटी अवधि का नजरिया है सेल में, 10 से 15 दिन में, क्या कोई आप इनको आप एक ठीक ठाक इनको मुनाफा होते हुए देख रहे हैं या फिर साइडवेज रहेगा स्टॉक ये? वेल अभिषेक, देखिए एक फॉलिंग चैनल यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 5 महीनों से लगातार काउंटर एक लोअर टॉप बना रहा है और उसे पार करने में सक्षम नहीं हो रहा है। लगातार 21 स्तरों से हमें डिस्ट्रीब्यूशन भी देखने को मिला है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंडलाइन का क्रूशियल सपोर्ट 100 लेवल के आसपास है और ठीक उन्हीं लेवलों के आसपास एक रिसेंट स्विंगलो भी बना था, तो वहीं पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह होगी अगर ट्रेडिंग के लिहाज से लिया हुआ है तो। अगर पोजीशन पर्सपेक्टिव से लिया हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से लिया हुआ तो 100 रुपीज का स्ट्रिक स्टॉप लॉस जरूर लगाए। अगर उसके नीचे की क्लोजिंग देखने को मिलती है तो यहाँ से एक बार के लिए एग्जिट कर ले, और ऊपरी स्तरों पर 111 ये इमीडिएट हर्डल होगा। अगर वो लेवल पार होता है यहाँ पे हमें 120 तक के लेवल देखने को मिलेंगे और इम्पोर्टेंट लेवल होगा 120, इसलिए कि फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट आएगा 120 के ऊपर, उसके बाद हमें यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा। ऊपरी स्तर पर 130 से 140 तक के भी लेवल बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं, हालांकि वो ब्रेकआउट लेवल है 120, वो अगर पार होता है उसके बाद ही हमें यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा। एज ऑफ नाउ साइडवेज कंसोलिडेशन इसी तरह से हमें देखने को मिल सकता है, तो लेवल्स को वॉच आउट करें 100 ऑन द डाउन साइड एंड इमीडिएट ऑन द हायर साइड 115 एंड 120। ठीक है, तो सेल पे अहम लेवल्स रहेंगे निचले स्तरों पे 100 रुपए और ऊपर 120 और 130 के लेवल्स, आप ध्यान रखिए।